सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आप इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवाज वसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 14th ऑफ मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि 14th ऑफ मई को मार्केट ओपन होगी यानी मंडे को, और उसके एक दिन बाद ही कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि एग्जिट पोल तो आ चुकी है, तो कर्नाटका में क्या एग्जिट पोल से पता चल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल एक्यूरेट तो नहीं हम कह सकते पर कुछ मार्जिन से बता देती है कि कौन सी सरकार बन सकती है। तो वो पूरी एनालिसिस करके मैं आपके साथ आया हूँ, तो वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल के बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे तुरंत दबा दीजिए, जिससे आपको वो लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो मिलती रही और आप कर्नाटका इलेक्शन के वो वीडियो को देखकर अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि 14th ऑफ मई को कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको फ्राइडे सेशन में स्टॉक सजेस्ट करे थे वो क्या है, उसके टारगेट्स हमें अचीव होते हुए दिखे या नहीं। तो IOC, इन्फीबीम, ओरिएंटल बैंक, लार्सन एंड ट्यूबो और फ्री रिटेल, ये 5 स्टॉक्स मैंने आपको सजेस्ट करे थे बाय या सेल साइड के अंदर, जिसमें हमें पांचों के टारगेट्स दोनों के दोनों अचीव होते हुए दिख गए। सिर्फ हमने देखा कि इन्फीबीम का हमें पहला टारगेट अचीव होते हुए दिखा और सबके टारगेट्स हमें अचीव होते हुए दिख गए, और लार्सन एंड ट्यूबो को तो मैंने आपको कहा था कि अगर उस स्टॉक के प्राइस के बाहर निकल जाता है तो आपको तुरंत बाय करना और हमें बहुत ज्यादा अपसाइड्स देखने को मिलेंगी। और मैंने आपको टारगेट्स उसके बहुत दूर के भी सजेस्ट करे थे, तब भी हमने देखा था कि लार्सन एंड ट्यूबो का जो प्राइस था उसके ऊपर जाके, जो टारगेट था उसके ऊपर जाके ही उसने क्लोजिंग दी है। तो वो मेरी वापस वॉच लिस्ट में है और मैं आपको वापस उस स्टॉक को बाय करने के लिए दूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको सेकंड टारगेट बताया था वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, मुझे नहीं लगता था उस टारगेट के ऊपर वो जाएगा, पर हमने देखा उस टारगेट को उसने ब्रीच करा, थोड़े टाइम तक सस्टेन करा था पर उसको ब्रीच कर दिया। तो हम कह सकते हैं वापस हम बाइंग पोजीशन एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। तो ACC की बात करें तो बाय करने की सलाह दी जाएगी 1466.55 का जो करंट मार्केट प्राइस है, उसके हम कह सकते हैं 3 पॉइंट नीचे यानी कि 1463-1462 के आसपास ही ACC का स्ट्रांग सपोर्ट है, और वहां से वो हमेशा रिवर्सल देता है और रिवर्सल ACC का बहुत स्ट्रांग आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको थोड़ा डाउनसाइड में मिलता है ACC तो बाय करके चलिए 1457 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट आपको 1474-1481 के मिल सकते हैं। HPCL की बात करें तो हमने देखा था कि HPCL बहुत मुश्किल से 300 के ऊपर निकलने में कामयाब रहता था, उसके बाद हम देख सकते थे कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते थे HPCL हमेशा 300 के नीचे चले जाता था, उसके बाद हम डाउन साइड आते हुए देखते थे फिर हम एक रिकवरी आते हुए देख पाते थे। पर हमने देखा कि जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है, क्योंकि जब हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे और ये स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे, तो अब इसमें अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है और शायद अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से और इंक्रीज हो पाए, क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शंस हैं और हम देख सकते हैं उस दिन हम कह सकते हैं कि पेट्रोल के जो और डीजल के जो प्राइसेस होते हैं वो एक्चुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे शायद इन कंपनीज को नुकसान हो सके। या तो हम कह सकते हैं अभी आपको इसको बाय करने की सलाह दी जाएगी, 312 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है HPCL का, स्टॉप टारगेट आपको 324-329 तक के मिल सकते हैं। कजारिया सेरेमिक्स सेल करने की सलाह दी जाएगी, ये भी अपने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे जाके क्लोजिंग इसने दी है, वहां से हमने देखा था इसमें एक सेल ऑफ आते हुए देखा था पर मार्केट क्लोज हो गई थी,
अभी भी हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं 534, 529 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 545 का लगा के चलना होगा। एलएनटी वापस बाय करने की सलाह दी जाएगी। लास्ट एन ट्यूबो को हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास इसने जाके ट्रेड करा था और उसके ऊपर ही जाके हमने इसमें क्लोजिंग देखी। तो मैंने आपको जो सेकंड टारगेट बताया था 1375 का टारगेट बताया था उसके ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करो। 1377 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 1394, 1408 तक के टारगेट्स भी हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं लासेन एंड ट्यूबो में, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एक इसका रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं बन सकता है 1400 के लेवल में। तो अगर उसे ब्रीच करता है तो हम कह सकते हैं अभी भी इसमें तेजी हम कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल हमने देखा था कि जो जियो का प्लान बनते हुए आया कि वो लोग भी अब पोस्टपेड प्लान में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि भारतीय एयरटेल और आइडिया के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर गए थे और मैंने आपको बाय करने की सलाह दी थी कि अगर जब ये 412 के ऊपर सस्टेन करेगा, और मैंने आपको कहा था जब मार्केट ओपन होगी तो ये 412 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय जरूर करिए, बहुत स्ट्रांग चार्ट स्ट्रक्चर है। एनालिस्ट भी सजेस्ट कर रहे थे इस स्टॉक को बाय करने के लिए, पर हमने देखा कि नेगेटिव न्यूज के चलते वहीं से हमने एक करेक्शन आते हुए देखा और 412 के लेवल को उसने टेस्ट नहीं करा, हमने उस वहीं से एक करेक्शन आते हुए देखा और इसने लोअर लेवल्स बना लिए। पर जिस तरीके से हमने इसमें करेक्शन आते हुए देखा, चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रांग है, तो हम कह सकते हैं कि ये अपने एक स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, ये रिवर्सल दे सकता है, तो इसे बाय करने की सलाह दी जाएगी। 379 के स्टॉप लॉस के साथ 391, 400 तक के टारगेट्स आपको भारतीय एयरटेल के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 15 मई को इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आने हैं तब हम कह सकते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो अब मैंने आपको जो टारगेट बताया था बैंक निफ्टी के अंदर कि 26,500 तक के, 26,450 तक के लेवल्स भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने उसी दिन हमें 26,450 तक के हाईज बनाते हुए देखने को मिल गए और वही हमारा था 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। और हमने देखा कि बैंक जो निफ्टी का लेवल था, हमने देख रहे थे कि 10,785 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर रहा था। पूरे वीक हमने देखा कि निफ्टी ने सस्टेन नहीं करा, उसके ऊपर ही अचानक उसने क्लोजिंग दे दी है और उसने जो अपना हाई बनाया 10,812 का, वहां पर एक 38.2 रिट्रेसमेंट था जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो वो दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपको फुल तरीके से एनालाइज करके मैं दिखाऊंगा उस कर्नाटका के इलेक्शन के अंदर, जिसमें मार्केट में आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आप एनालिसिस खुद कर पाए और समझ पाए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैं आपके लिए 2 से 3 दिन के लिए, मतलब 16 मई तक के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी ये दे रहा हूँ। 10,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 10,740, 10,650 तक के लेवल्स भी हमें निफ्टी के अंदर आने को मिल सकते हैं। जो इसके अंदर रीजंस हैं क्या हो सकता है वो भी आपको मैं उस वीडियो के अंदर ही सजेस्ट करूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 26,540 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 26,180 का लगा, सॉरी आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गलत दिख रहा होगा, आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 26,540 का मेंटेन करना है। स्टॉप टारगेट आपको 26,180 के देखने को मिल सकते हैं। आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट आपको मेंटेन करके रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमेशा जाननी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ऐड हो जाइए। और मैंने जो एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर मैं आपके लिए रेगुलरली इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहता हूँ मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, जिससे आप मार्केट की स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अगर हमें मार्केट की न्यूज के बारे में पता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में पता है, यूएस के मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने इंडियन मार्केट को समझ पाए, हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बढ़ सकती है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो वो सारी की सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं उस वेबसाइट के अंदर लेकर आता हूँ। तो अगर आपको उसमें जाना हो, मेरे उसको सब्सक्राइब करके आप मेरे यूजफुल जो रीड्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक शो हो जाएगा, वहां जाके आप उसे रीड कर सकते हैं। तो डेली अपडेट्स मैं उसके अंदर डालते रहता हूँ, तो आप उसे जरूर पढ़िए। मार्केट आवर्स के अंदर मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि कौन से स्टॉक्स को आपको इवनिंग या मॉर्निंग में बाय करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उस वेबसाइट के अंदर पा सकते हैं, तो उसे जरूर विजिट करिए। और मैं वीडियो डालने वाला हूं अभी इस वीडियो के बाद ही कर्नाटका इलेक्शन के क्या आ सकते, क्या स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नए व्यूअर्स जो भी देख रहे हो, और लाइक जरूर कर दीजिए मेरी वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं आपके लिए बहुत सी वीडियोज बनाते रहूं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन बना देकर आते रहूं आपके साथ। तो मैं शिवांश बसीन मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।